शारदा संगीत कला केंद्र मेलबर्न की इस ऑनलाइन संगीत शिक्षण में मैं पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अब मैं इस एपिसोड में आपको ताल जो मुख्य रूप से प्रयोग की जाती हैं उनके विषय में बताऊंगा। हमारे यहाँ सबसे कम मात्राओं की ताल है दादरा, जो कि 6 मात्रा की होती है, 6 बीट होते हैं और इनका डिवाइडेशन यानी विभागीकरण 3-3 मात्रा के हिसाब से होता है। और यह ताल सुगम संगीत में, भजन में, फिल्मी गीतों में, गजल में इत्यादि में अत्यधिक प्रयोग होती है। सबसे पहले मैं इसका आपको कालखंड यानी ताली लगाकर बताऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोल हैं इसके। धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना। अब इस ताल को मैं आपको तबले से बजाकर बताऊंगा। जो जिज्ञासु देखकर इसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो ताली मैंने जिस क्रम से लगाई है, जो पहली मात्रा है ये सम कहलाती है, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, और ये खाली जहाँ ताल का विश्रांति स्थान होता है इसको खाली कहते हैं। तो आप इसको लगाकर इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। धा धी ना धा ती ना धा, ये जो धा आया इसको कहते हैं सम। तो ये जो सम पहली ताल की जहाँ से ताल शुरुआत होती है वो सम कहलाती है। अब मैं आपको इस ताल को बजाकर बताऊंगा। धा धी ना धा ती ना धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा। ये एक इसका स्वाभाविक स्वरूप है। जब यह संगत के लिए या किसी रचना के साथ बजती है तो यह बजाने वाले के ऊपर होता है कि वो उस रचना को इस ताल से कैसे सजाता है। यह ताल बड़ी महत्वपूर्ण ताल है सुगम संगीत के हिसाब से और चित्रपट संगीत के हिसाब से, और साथ ही शास्त्रीय संगीत में जो उप शास्त्रीय गायक संगीत गाया जाता है, कजरी, चैती या गजल गीत, बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो इन तालों में निबद्ध होती हैं। मैं आपको एक बार पुनः इस ताल को बजा के बता रहा हूँ। धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धी धा ती ना धा। जब अगर इसका हम फर्स्ट स्वरूप देखें, धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती धा धी ना धा ती ना धा धी ना, और फर्स्ट दादी ना 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 दादी ना। ये इसका एक छोटा सा आपको मैंने स्वरूप बताने का प्रयास किया।